गुड मॉर्निंग एवरी वन, आई एम श्वेता अमृत शर्मा फ्रॉम KMS फैशन। आज हम टाइप्स ऑफ स्लीव्स करने जा रहे हैं फॉर होम साइंस, ड्रेस मेकिंग, स्विंग टेक्नोलॉजी, फैशन टेक्नोलॉजी, फॉर NTA नेट GRF 2020 एंड फॉर CTS एंड CITS स्टूडेंट्स। सो लेट स्टार्ट। आप प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, नेट प्रिपरेशन के लिए अलग है और CITS के लिए अलग है। CITS एग्ज़ाम के लिए हमने 1 मंथ का कोर्स भी दिया है जो लाइव चल रहा है, अभी कंटिन्यू है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। साथ के साथ होम साइंस की 10 की 10 यूनिट्स के हमारे पास पेड PDF नोट्स अवेलेबल है, ठीक है, आप उनको भी ले सकते हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स को भी ले सकते हैं, अगर आपको किसी एक ही यूनिट की नीड हो तब भी आप ले सकते हैं। साथ के साथ 15 डेज का कोर्स है जिसके अंदर आपको टेक्सटाइल्स एंड अपेरल अच्छे से समझाया जाएगा और उसके प्रीवियस ईयर्स भी कराए जाएंगे, ये भी लाइव कोर्स है और उसमें ही साथ के साथ आपको डाटा इंटरप्रिटेशन भी करा दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक प्रोवाइड किए हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के, उनको ज्वाइन कीजिए और आप हमें मेल करके भी क्वेरी पूछ सकते हैं। सो अब बात करते हैं हम स्लीव्स के बारे में। स्लीव्स क्या होती हैं? जो हम अब हमारी बाजू जो कपड़ों के अंदर हमारे गारमेंट अपेरल्स के अंदर बाजू लगी होती है उनको स्लीव्स बोलते हैं। सबसे पहली स्लीव की बात करते हैं जो कि हमारी प्लेन स्लीव। प्लेन स्लीव क्या होती है? जिसके अंदर कोई भी फुलनेस नहीं दे रखी होती, कहाँ पर? लोअर एज पे या टॉप एज पे, मतलब कि ना तो ऊपर की तरफ कोई फुलनेस है और ना ही नीचे की तरफ कोई फुलनेस है, उसको हम प्लेन स्लीव बोलते हैं। और प्लेन स्लीव पैटर्न को यूज़ किया जाता है बाकी तरह के स्लीव्स बनाने के लिए, मतलब कि जैसे हमें एडप्टेशन करनी होती है, इसको हमें चेंज करना होता है, हम प्लेन स्लीव से ही बाकी तरह के स्लीव्स बनाते हैं। सबसे पहले बेसिक हमें प्लेन स्लीव बनानी पड़ती है। नेक्स्ट आती है हमारी फुल स्लीव। फुल स्लीव्स कौन सी होती है? फुल स्लीव्स हमारी होती है सेम पूरी स्लीव्स होती है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जो मेनली जेंट शर्ट के अंदर यूज़ होती है। जेंट शर्ट में कौन सी होती है? जिसके नीचे फिनिश कहाँ से होता है? हमारे कफ से होता है, ठीक है। और ये पैटर्न प्रिपेयर होता है फॉर दिस इज अ सिमिलर टू 3/4 स्लीव प्रिपरेशन एंड बट द हाइट मस्ट बी एक्सटेंडेड टिल रिस्ट। इसमें जो हाइट है स्लीव की, जो लेंथ है, वो रिस्ट तक एक्सटेंड होती है और सर्कमफ्रांस भी उसी के हिसाब से चेंज किया जाता है, मतलब कि पूरी बाजू हमारी फुल स्लीव्स इज पूरी बाजू। नेक्स्ट है हमारा किमोनो स्लीव्स। किमोनो स्लीव्स कौन सी स्लीव्स होती है? ये देखिए इस तरह में, इसमें आपको ना आर्म होल नहीं विजिबल हो रहा होगा, ये बॉडीज के साथ ही अटैच है। तो क्या है, आइए देखते हैं। किमोनो स्लीव्स आर कट टुगेदर विद द फ्रंट एंड बैक बॉडीज। जो कि किमोनो स्लीव है वो हमारी किस तरह से है, एक साथ ही कटी हुई है फ्रंट और बैक बॉडीज के साथ, ठीक है। तो ये रहा आपका फ्रंट बॉडीज, ये रहा बैक बॉडीज, उसके साथ ही स्लीव है, ठीक है। और किमोनो स्लीव इज ऑलवेज कट विद अ डीप आर्म होल। इसका जो आर्म होल है वो कैसा है? डीप है, ठीक है। देन द सेट इन स्लीव्स, इट इज़ दैट इज़ इन दीज टाइप ऑफ स्लीव्स देयर इज़ नो शोल्डर सीम। इन में कोई शोल्डर की सीम नहीं होती, ठीक है, और ना ही कोई आर्म होल की सीम होती, देख पा रहे हैं आप, क्योंकि इसमें क्या है, पैटर्न बना लिया और उसको पैटर्न को कपड़े के ऊपर डायरेक्टली रखा, तो कोई सीम की नीड नहीं होती। स्लीव रन फ्रॉम द साइड सीम टू द स्लीव ऑफ द साइड सीम। ये स्टिच कैसे होती है? ये तो हमारी बॉडीज का साइड सीम है और ये हमारा स्लीव का साइड सीम है, तो हम कॉन्टिन्यू इसको यहाँ से यहाँ तक सिलाई कर देते हैं, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है? ये टॉप्स में, स्पोर्ट्स वियर में, किड्स वियर्स के अंदर हम देखने को मिलती है, क्लियर। अगली आती है हमारी रेगलन स्लीव। रेगलन स्लीव कैसी होती है ये भी देखिए, ये आपका बॉडीज है ये, और ये भी आपका बॉडीज है, ये बैक है, ये फ्रंट है और इसकी स्लीव है। तो स्लीव के अंदर हमारा आर्म होल कहाँ पर है? शोल्डर के साथ अटैच हो रहा है, तो देखते हैं क्या है ये। रेगलन स्लीव है पार्ट ऑफ द स्लीव अटैच टू देयर बॉडीज। इसके अंदर ये भी हमारा किसके साथ अटैच है? बॉडीज के साथ ही अटैच है। फॉर्म द नेक टू अंडरगो अ डायगनल सीम इज फॉर्म्ड, ठीक है। नेक के लिए क्या होता है? डायगनल सीम एक बनती है। इस तरह के स्लीव्स के अंदर टू शोल्डर सीम और आर्म होल स्लीव आर स्लीव्स आर नॉट नीडेड। यहाँ पर ना ही तो आर्म होल की नीड है और ना ही शोल्डर की नीड है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मतलब ईज, कि ये पहनने के बाद आप ईजिली अपने हाथ को ऊपर नीचे कर सकते हैं। द आर्म होल इज लोअर्ड इन दीज स्लीव्स। आर्म होल जो होता है वो क्या होता है? नीचे की तरफ दिया होता है।
थोड़ा लोअर, जैसे यहाँ पर पूरी ईज के साथ आर्म होल दे रखा है, ठीक है। और कहाँ तक दिया होता है, देखिए ये आपका आर्म होल यहाँ से दे रखा है, और लेकिन ये चेस्ट एरिया है, तो इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा ईज दे रखी होती है कि ईजिली आप अपने हैंड्स की मूवमेंट कर सकें। तो ये थी हमारी रेगुलर स्लीव। नेक्स्ट है हमारी मैग्यार स्लीव। मैग्यार स्लीव कौन सी होती है, ये भी आप देख पा रहे होंगे हमारे बॉडीज़ के साथ ही अटैच है। इसको हम बैटविंग स्लीव भी बोलते हैं। और स्लीव किसके साथ कट होती है, हमारी बॉडीज़ के साथ। इस स्लीव के अंदर लॉन्ग स्लीव होती है, देखिए लॉन्ग स्लीव है, और इसका आर्म होल डीप होता है, लेकिन ये रिस्ट एरिया से क्या हो जाती है, टैप्ड हो जाती है, मतलब ये कम होती है रिस्ट एरिया से एज़ कम्पेयर टू इट्स आर्म होल। इसको हम बोलते हैं मैग्यार स्लीव, करेक्ट। नेक्स्ट है हमारी बेल स्लीव्स। बेल स्लीव्स क्या होती है, बेल स्लीव्स जो हमारी हमारी जो एल्बो है, एल्बो तक तो वो क्या करती है, नॉर्मल स्लीव्स की तरह रहती है, लेकिन नीचे वो फ्लेयर आ जाती है। सो वो नैरो होती है शोल्डर से, और वो ग्रेजुअली वाइडन हो जाती है, चौड़ी हो जाती है जैसे ही वो रिस्ट तक पहुंचती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तक तो वो फिटेड है, और यहाँ से उसने बेल घंटी की आकार ले लिया, क्लियर। देन आता है हमारा सेटिन स्लीव। सेटिन स्लीव, स्लीव्स विद आर्म सेल, मतलब आर्म होल के साथ जो स्लीव्स होती हैं। कौन कौन सी होती है आर्म होल के साथ स्लीव्स, वो हमारी बेसिक टाइप ऑफ सारी स्लीव्स थी। अब हमारी सेटिन स्लीव्स आ गई आर्म होल के साथ, दैट इज बिशप स्लीव। बिशप स्लीव्स कैसी होती है, देखिए इसमें आर्म होल क्या दे रखा है, बना हुआ है आर्म होल के साथ ही, मतलब इसको बॉडीज़ के साथ एकदम नहीं अटैच करते, बॉडीज़ के साथ ही नहीं लेके आते, बट अलग से अटैच किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, गैदर्स दी जाती हैं कफ तक। तो ये आपका देखिए कफ एरिया है, और यहाँ पर गैदर्स है, ठीक है। किस लिए, ताकि बॉटम में मतलब जो स्लीव है उसके बॉटम में फुलनेस दी जा सके। अगली है हमारी लेगो मटन। लेगो मटन पे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर आपकी क्या फ्लेयर्स पड़ रही हैं, ठीक है। तो द स्लीव दैट एक्सट्रीमली फ्लेयर आउट एट द अपर आर्म, ऊपर की तरफ आर्म में फ्लेयर्स हो, और नीचे की तरफ हमारी जो स्लीव है वो क्या हो जाए, नैरो हो जाए, रिस्ट से नैरो, और ऊपर की तरफ हमारे क्या हो, फ्लेयर्स हो, बहुत ज़्यादा फ्लेयर्स की प्लीट्स दे रखी हो, उसको हम लेगो मटन स्लीव बोलते हैं। अगली स्लीव है हमारी कैप स्लीव। कैप स्लीव देख पा रहे होंगे आप, ये ना बहुत छोटी सी स्लीव है, और ये हमारे आर्म होल तक भी कंप्लीट नहीं जा रही, जो यहाँ तक है ना लोअर आर्म होल तक एरिया है, आर्म पिट का एरिया है, सॉरी, जो आर्म पिट के एरिया तक भी नहीं जा रही है, ठीक है। सो दीज टाइप ऑफ स्लीव्स आर ऑफन रेफर्ड एज स्लीवलेस। इनको एक किस्म से स्लीवलेस तरह ही बोलते हैं, स्लीवलेस ही बोलते हैं, होती नहीं है स्लीवलेस, स्लीवलेस ही कही जाती है। दीज स्लीव्स आर डिज़ाइंड टू कवर द शोल्डर, इससे क्या कवर हो जाते हैं, शोल्डर कवर हो जाते हैं, एंड ये बहुत छोटी होती है, एंड डू नॉट गो बिलो द आर्मपिट, आर्मपिट लेवल से नीचे ये स्लीव्स नहीं जाती। नेक्स्ट है लैंटर्न स्लीव। लैंटर्न स्लीव कौन सी होती है, ये स्लीव दो सेक्शंस में बटी होती है, ठीक है, दो सेक्शंस। इसके कौन से, स्लीव वाइडन इट्सेल्फ फ्रॉम द कैप, जो कैप एरिया है, ये वाला कैप एरिया यहाँ से ऑटोमेटिकली वाइड होती है, और हेमलाइन टू अ स्टाइल लाइन विद इन द स्लीव ऑफ वेरी लेंथ, अलग अलग लेंथ है इसमें। इसके अंदर हमने आगे कफ दे रखे हैं, और यहाँ से कंप्लीट फ्लेयर्ड है, मतलब वाइडन एरिया हो जाता है ऊपर से ही लैंटर्न स्लीव का, क्लियर। नेक्स्ट है हमारी पेटल स्लीव। पेटल स्लीव नाम से ही है, पेटल मतलब फ्लावर्स के पेटल्स होते हैं, एक दूसरे पे ओवरलैप्ड होते हैं, तो ये भी सेम पेटल की तरह होती है। पेटल स्लीव्स क्या होती है, सिमिलर होती है शेप्ड स्लीव्स के। इसका वेरिएशन क्या होता है कि ये रिजेंबल करती है पेटल की तरह, जैसे ही हमारा जो कैप, अच्छा एक और भी सेक्शन क्रॉस ओवर ईच अदर एट अ कैप, जैसे अभी पीछे हमारी कैप स्लीव थी, ये इसी तरीके से हमारी ये छोटी स्लीव भी बनती है मोस्टली, और ये पेटल की फॉर्म क्रिएट करती है। नेक्स्ट है पफ स्लीव। पफ स्लीव में क्या है कि यहाँ पर गैदर्स पड़े होते हैं, एक्स्ट्रा फुलनेस दे रखी होती है। स्लीव्स दैट हैव एक्स्ट्रा फुलनेस इन सर्टेन पार्ट्स, या तो हेम पे, कैप पे, या दोनों जगह, मतलब कि हम यहाँ पर भी फुलनेस दे सकते हैं शोल्डर पे, हम नीचे की तरफ भी फुलनेस दे सकते हैं, या हम दोनों तरफ भी दे सकते हैं, ठीक है। और ये स्लीव्स क्या हो सकती हैं, किसी भी लेंथ की और कितनी भी फुलनेस की हो सकती हैं। तो ये थी हमारी पफ स्लीव। नेक्स्ट है ड्रॉप शोल्डर स्लीव। ड्रॉप शोल्डर स्लीव क्या है, अब देखिए
सिलाई कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर. सो ड्रॉप शोल्डर, जो शोल्डर थे वो ड्रॉप हो गए. ओनली अ पार्ट ऑफ द स्लीव कैप कम्बाइंड विद द गारमेंट, सिर्फ जो स्लीव कैप का पार्ट है, ये देखिए स्लीव कैप का पार्ट है जो हमारे आर्मपिट लेवल से अबव रहता है, ठीक है, वो क्या करता है, कंबाइंड करता है गारमेंट के साथ. एंड इट डज नॉट इफ द गारमेंट इज स्टिच्ड विदाउट द लोअर स्लीव, और ऐसा नहीं होता कि हमारी जो स्लीव है वो बिना लोअर स्लीव के ऐसे ही बन जाए, हमारा गारमेंट ऐसे ही बन जाए बिना इस स्लीव के, इसको अटैच ही करना पड़ता है. दैट इज ड्रॉप शोल्डर डिज़ाइन. डीप कट आर्म होल, डीप कट आर्म होल क्या होता है, जिसके अंदर एंटायर पोर्शन ऑफ द आर्म होल कंबाइन करता है हमारी विद द स्लीव्स, मतलब कि जितने जो, अब ये देखिए ये आपका क्या है, डीप कट बैक, बैक की तरफ डीप कट है. तो इसी तरीके से अगर हम स्लीव भी लगाना चाहें इसके अंदर, ठीक है, तो एंटायर पोर्शन क्या है आर्म होल का, कंबाइन करता है स्लीव्स के साथ. क्लियर. फिर आ जाती है, अभी तक हमने की थी ऐसी स्लीव्स जो आर्म होल के साथ थी, अब हम बात करेंगे ऐसी स्लीव्स जो आर्म होल के बिना है. हम दोनों स्लीव्स ऑलरेडी कर चुके हैं, किमोनो स्लीव्स और रेगुलर स्लीव, ये दोनों हमारी कौन सी स्लीव्स हैं विदाउट आर्म होल, देख लेते हैं हम एक बार. ये देखिए आपकी, ये है आपकी किमोनो स्लीव, ठीक है, आर्म होल के बिना, और ये है आपकी रेगुलर स्लीव. क्लियर. आगे हम चलते हैं अपनी लास्ट टाइप ऑफ स्लीव के बारे में, जो कि है हमारी विदाउट आर्म होल, वो भी हमारी कौन सी है, विदाउट आर्म होल, दैट इज डॉलमन स्लीव. सो डॉलमन स्लीव्स क्या होती है, दिस स्लीव इज मोर प्रेफर्ड विद अ हाई आर्म लिफ्ट, मतलब इससे आप हाथ को काफ़ी ऊपर उठा सकते हैं जितना मर्जी हमें रिक्वायर्ड हो. और हेयर द स्लीव इज डिजाइंड विद अ डीप आर्म होल, इसमें स्लीव कैसे होती है, डीप आर्म होल के साथ होती है. इसको लोअर किया जाता है सीम विद एग्जागरेटेड फोल्ड्स अंडर द आर्म, आर्म पे काफ़ी सारे फोल्ड्स डल जाते हैं, यहाँ पर इतनी लेंथ होती है इसके कि यहाँ पर फोल्ड्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं. तो ये थी हमारी डॉलमन स्लीव. सो होपफुली आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा. कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस उस क्वेश्चन को डालिए, उस क्वेरी को डालिए. आप हमें मेल भी कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं. प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए. साथ के साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए फॉर KMS फैशन न्यू अपडेट. टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे.